अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स पीपीएससी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीएससी वन पेपर एमसीक्यूज पेपर। तो ऐसे पेपर जनरली जिनका पीपीएससी सिलेबस नहीं देता वो ये कहता है जनरल नॉलेज टाइप पेपर होगा, उसके बारे में उसका सिलेबस क्या होता है। तो देखिए उसमें पोर्शन ये होते हैं इंग्लिश। अब इंग्लिश पोर्शन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंसेस, यूज ऑफ टेंस, वर्ब का करेक्ट इस्तेमाल, ठीक है ना, वोकैबुलरी, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें ऑप्शन दे सकता है आपको किसका ऑपरेशन कौन सा है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस करेक्शन है, कोई भी सेंटेंस देकर करता है करेक्ट इसका, ये हो सकता है ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे सकता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये डेफिनेटली जो है ये आपकी जस्ट मेमोराइजेशन है, जिसकी वजह से आपने इसको डिटेक्ट करना है कि इसका सिनोनिम सिमिलर मीनिंग वाला कौन सा है या अपोजिट मीनिंग वाला कौन सा है। फिर इसका एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन, यूज ऑफ इन, ऑन, एट, ठीक है ना, तो इनका यूज जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें उर्दू पोर्शन की, तो उर्दू में उर्दू ग्रामर, ठीक है, जैसे उसमें फेद हो गया, उसकी इकसाम हो गई, किस्म की इकसाम हो गई, ये वो ज़र्ब व मिसाल हो गया, कोई भी ज़र्ब व मिसाल देखो कहता है कि इसका मतलब ये है, अलिफ बे पे दाल जिन जो भी होगा, ठीक है ना, कि चार ऑप्शन आपको देगा इनमें से इसका क्या मतलब है, तो ये आपको ज़र्ब व मिसाल आने चाहिए। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक उसका राइटर, कोई भी नावल उसका राइटर, फेमस पोएट हैं, कोई पोएट है उसका वर्क है, उसकी पोएट्री की किताब है, कौन सा दीवान किसने लिखा था इसके बारे में पूछा जा सकता है, या कौन सा शेर किसका है, ठीक है ना, कोई भी शेर देकर आप पूछा जा सकता है ये इसका है, कोई भी नावल देकर पूछा जा सकता है आप ये किसका है, कौन सा ड्रामा देकर पूछा जा सकता है कि इसका राइटर जो है वो कौन है, तो वो आप बता सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान अफेयर की, ये जरा लॉन्ग टॉपिक है, इसमें देखिएगा तीन चीज़ें आती हैं, एक सब कॉन्टिनेंट था वो 712 से लेकर 1857 तक, सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से खानदान ने हुकूमत की, कौन सा बादशाह किस बारे में मशहूर था, कौन सा बादशाह कौन से गुजरा थे, और इस तरह की टिपिकल चीज़ें। फिर फ्रीडम मूवमेंट आती है 1857 टू 1947, ये 90 ईयर के ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ, किसने कंट्रीब्यूट किया, कौन से रहनुमा, किसने कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस बनाई, किसने मुस्लिम लीग बनाई, कब बनी, कहाँ बनी, कौन कब पार्टिसिपेट करता रहा और कब लीव करता रहा, और इसके इजलास जमातों में कहाँ होते रहे, व्हाट्स ओवर, इसमें कंट्रीब्यूशन किस रहनुमा की क्या कंट्रीब्यूशन थी। फिर उसके बाद हम जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान हो गई, पाकिस्तान हिस्ट्री की तरफ 1947 टू डेट, इस डेट में बात कर रहे हैं उसके इवेंट्स हुए पाकिस्तान में, कौन सा वजीर आजम आया, कौन सा सदर आया, ठीक है ना, ये किसके टेनोर में कौन सा कानून बना, कब मार्शल लॉ लगा, ये सारी चीज़ें। उसके बारे में बाद में बात करते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, तो वर्ल्ड अफेयर के बारे में, तो वर्ल्ड अफेयर में वर्ल्ड मैप आ जाएगा, कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है, कौन सा रिवर किस कॉन्टिनेंट से किधर जाता है, कौन सा आईलैंड जो है कौन से दो कंट्रीज को आपस में ज्वाइन करता है, कौन सी टनल कहाँ से पास होती है, ठीक है, किस कंट्री से दूसरे में जाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं हमारे वर्ल्ड लेवल पर ये कौन कौन से हैं, और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनमें किसका क्या रोल है। फिर आता है पाकिस्तान जियोग्राफी, पाक फिजियोग्राफिक क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज इसकी हम बात करेंगे, कौन से इलाके क्या क्लाइमेट है, प्लेन्स ऑफ सोन माउंटेन्स, ठीक है, फिर प्लेटोज आ जाते हैं, ग्लेशियर जाते हैं, हिस्ट्री का प्लेसेस, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, फर्स्ट, ठीक है ना, तो इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, माउंटेन रेंज आ जाती हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर कंप्यूटर है, तो बेसिक फंडामेंटल्स हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, डिजिटल नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्रोल शिफ्ट वगैरह ये दबा कर जो है डिलीट के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होगा, पेस्ट के लिए कौन सा होगा, कॉपी के लिए कौन सा होगा, ठीक है ना, और फेसबुक का बाई लॉन्च हुई थी, इसका जो है ना वो इन्वेंटर कौन है, ठीक है ना, तो गूगल किसने स्टार्ट किया था, या व्हाट्स ओवर, इस तरह की चीज़ें बेसिक लेवल की होती हैं, इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं होती, जनरल पेपर है।
उसके बाद जनरल साइंस है, जनरल साइंस में आ जाता है आपका फिजिकल साइंसेस आ गया, फिजिक्स मैथ्स वगैरह, बायोलॉजी का साइंसेस आ गया, एनवायरमेंटल साइंसेस आ गया, मेरिंग यूनिट्स आ गए, ये तो जैसे मैथ वगैरह में सर में आते हैं, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ये, तो ये बेसिक चीज़ें आती हैं, ये मोस्टली इंटर लेवल तक आती हैं, या ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होता है तो इंटर लेवल तक आपको आनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल तक हो तो वेल एंड गुड। फिर इस्लामिक हिस्ट्री, अब इस्लामिक हिस्ट्री ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को ईजी देता है और ये इतना ईजी नहीं होता, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में पूरी सीरत, ठीक है ना, उसमें इवेंट्स कौन कौन से हुए, आपका ताल्लुक कौन से कबीले से था, कौन से इवेंट्स हुए, किस समय हुए, बैटल्स ऑफ इस्लाम कितनी बैटल्स थी, मुसलमानों का सरबराह कौन था, काफिरों का कौन था, किसने मुसलमान शहीद हुए, कितने काफिर इसमें कतल हुए, कितने किसमें कैद हुए, कौन शिकस्त किसने खाई और फतेह याब कौन हुआ, फिर हौली कुरान से मुतलिक इसमें किस चीज़ का जिक्र है, अंबिया का जिक्र है, सब्जियों कितने का जिक्र है, फ्रूट का कितने का जिक्र है, कितने बार बेस पीता है, कितने मक्की सूरते हैं, मक्की सूरते हैं, वर्ड्स और इस टाइप की चीज़ें, फिनर अलाब इस्लाम है, इस्लाम के अरकान हैं, कौन सा अरब कहाँ कहाँ कौन से सन में जो है वो फर्ज हुआ, ये याद रखना ज़रूरी है। प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के अंबिया जो आए उनसे, जैसे हजरत आदम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अंबिया के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किस पर कौन सा सहीफा उतारा गया, कौन सी किताब किस पर उतारी गई, ठीक है, कौन से नबी का ताल्लुक किस कबीले से था, कौन किसका रेड रिलेशन में क्या था, ठीक है ना। तो फिर आ जाता है कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, आपके सहाबा के बारे में, किसने कब इस्लाम कबूल किया, कौन से सहाबी ने कब इस्लाम कबूल किया, किस जगह कबूल किया, कौन सी जंग में आपसे पसंदार कौन से बने, और कौन से हिजरी में जो है इस्लाम कबूल किया, और आपकी कंट्रीब्यूशन और आपका किस कबीले से ताल्लुक था, इस रिलेटेड जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप ग्रिप करते हैं, और फिर एक चीज़ आती है करंट अफेयर्स, वो हैं टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, उन करंट अफेयर पर आपकी स्पेशल नज़र होनी चाहिए, डॉन पर आपकी स्पेशल नज़र होनी चाहिए, या द न्यूज़ पर आपकी स्पेशल नज़र होनी चाहिए, आप न्यूज़ चैनल देखिए, ठीक है, तो उसके बाद जो है आप कुछ चीज़ें डॉन न्यूज़ से नोट कीजिए, वो कैदर भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और आपका करंट अफेयर भी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई इशू होता है तो आप हमसे रब्ता कीजिए 0333-699-5800, 0333-699-5800, हम आपकी जो है ना आपको जहाँ गाइडेंस जरूरत होगी प्रॉपर गाइड करेंगे। खुदा आपका।